एंड वेलकम टू इंग्लिश सूत्र। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा। कैसे हैं आप सभी? और शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत सी शुभकामनाएं, क्योंकि आप भी भावी शिक्षक हैं। जो भी लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं और अपने ड्रीम को अपने सामने रख के पढ़ रहे हैं, अगली बार उनको उनके स्टूडेंट्स विश करेंगे। और कुछ बहुत से लोग इस पर टीचर्स हैं भी जो ऑलरेडी उनके स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत सारे विशेस दी होंगी। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। और इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ मैं आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। ये है भाई, एलटी ग्रेड का बैच स्टार्ट हो गया आज, जूनियर शिक्षक का चल रहा है। और आज का हमारा भाई, पहले ही बोल रही हूँ, ये जो इस समय चल रहे हैं ये सारे वो हैं जो GIC के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, DSSB के लिए भी बहुत हेल्पफुल हैं। और जूनियर की सीरीज़ कल से स्टार्ट करूँगी जूनियर में भी, लेकिन जूनियर में किसी को ये नहीं पता कि क्या आएगा, तो उसमें के हिसाब से भी ये राइटर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप ये मत सोचना भैया ये इसमें ये लिखा हुआ है तो यही है, ये GIC, DSSB और जूनियर तीनों के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो माई डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विलियम बटलर यीट्स, द मैन हु वाज़ बिहाइंड द केल्टिक रिवाइवल ऑफ आयरलैंड। आज हम पढ़ेंगे WB Yeats के बारे में। WB Yeats बार जन्म हुआ था 13th of June 1865, सैनीमाउंट काउंटी डबलिन आयरलैंड में। ही वॉज एन आयरिश पोएट। हिज फर्स्ट सिग्निफिकेंट पोएम वॉज, उनकी जो पहली सिग्निफिकेंट पोएम थी, द आइलैंड ऑफ स्टैचूज। ये एक फैंटेसी वर्क था जिसमें उन्होंने एडमंड स्पेंसर और शेले को अपने पोइटिक मॉडल्स के रूप में लिया था। द आइलैंड ऑफ स्टैचूज, जिसमें शेले एंड स्पेंसर को उन्होंने अपने फैंटेसी वर्क था। और पीस वॉज, ये डबलिन यूनिवर्सिटी रिव्यू में ये पीस जो है वो सीरियलाइज फॉर्म में आया था। हिज फर्स्ट सोलो पब्लिकेशन वॉज द पैम्फलेट मोसडा, कि इनका जो फर्स्ट पब्लिकेशन था दैट वॉज मोसडा, अ ड्रामेटिक पोएम विच कंप्राइज द प्रिंट रन ऑफ 100 कॉपीज, जो उनके फादर ने पे किया था। इन 1889 यीट्स मेट मॉटगॉन। यीट्स की मुलाकात हुई मॉटगॉन से, और उन्होंने जो है 23 ओल्ड इंग्लिश, वो एक इंग्लिश एयरेस थी और बहुत ही ज़्यादा आर्डेंट फॉरवर, बहुत ही जो है वो आयरिश नेशनलिस्ट थी। भाई यीट्स का भी प्रेम उनके प्रति बहुत ही दीवाना था। उन्होंने उन्हें कई बार जो है प्रपोज करा, यीट्स ने बहुत बार मॉटगॉन को प्रपोज करा, मगर वो भी पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई थी, उन्होंने शादी करने से साफ मना कर दिया। और जो है उन्होंने इतनी बार प्रपोज करा यीट्स ने नंबर ऑफ टाइम्स, मगर वो हर बार मना करती रही करती रहीं। इवन शी इज एन इंस्पिरेशन बिहाइंड मैनी ऑफ हिज पोएम्स। और वो उन्होंने एक आखिरकार उन्होंने दुखी होकर यीट्स से शादी कर ली, नेशनलिस्ट मेजर जॉन मैकब्राइड। अब यीट्स का दिल टूट गया, लेकिन यीट्स ने इतनी जल्दी हार नहीं मानी। उन्होंने जो है उनकी डॉटर, एडॉप्टेड डॉटर, अब देखिए मम्मी ना सही तो जो है डॉटर को ही प्रपोज करा, मतलब हद है बिल्कुल ही। ही प्रपोज मॉड्स अडॉप्टेड डॉटर इज्यूल्ट, मॉड ने की अडॉप्टेड डॉटर को भी उन्होंने जो है वो प्रपोज करा, एंड इज्यूल्ट मैकब्राइड, बट उसने भी मना कर दिया। फिर इन्होंने हार के अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली, जॉर्जी, जैसे जॉर्ज कहा जाता है, बहुत काफ़ी उम्र में छोटी थी इनसे। और इन्होंने टुगेदर विद लेडी ग्रेगरी मार्टिन एंड अदर राइटर्स इंक्लूडिंग JM Synge, शॉन OKC एंड पेड्रॉय कॉलम, इन्होंने आयरिश लिटरेरी रिवाइवल मूवमेंट चलाया। आयरिश लिटरेरी मूवमेंट यानी कि जो केल्टिक रिवाइवल था, यानी कि आयरलैंड की लोकल लैंग्वेजेस को रिवाइव जो है WB Yeats ने किया। 1899 में यीट्स, लेडी ग्रेगरी, एडवर्ड मार्टिन एंड जॉर्ज मूर एस्टैब्लिश द आयरिश लिटरेरी थिएटर फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग आयरिश एंड केल्टिक प्लेस। आयरिश और केल्टिक प्लेस को परफॉर्म करने के लिए इन्होंने आयरिश लिटरेरी थिएटर को 1899 में एस्टैब्लिश करा। और द आइडियल्स ऑफ द एबे थिएटर वर डिराइव्ड फ्रॉम एबे थिएटर के जो आइडियाज थे वो एवांगार्ड फ्रेंच राइटर्स। एवांगार्ड का मतलब होता है वो आइडियाज जो समय से पहले के होते हैं। दिसंबर में 1923 में यीट्स को नोबल प्राइज मिला था लिटरेचर का, जिसपे था फॉर हिज ऑलवेज इंस्पायर्ड पोइट्री। उनकी ऑलवेज इंस्पायर्ड पोइट्री जो कि बहुत ही आर्टिस्टिक है, एक्सप्रेशन टू द स्पिरिट ऑफ अ होल नेशन।
इसके बाद इनकी कुछ वर्क्स के बारे में हम बात करते हैं। अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, ये इन्होंने अपनी बेटी के लिए लिखी है। ये पोयम लिखी थी 1919 में, पब्लिश हुई है 1921 में। ये पार्ट ऑफ ईट्स कलेक्शन माइकल रोबर्टिस एंड द डांसर, ये याद रखिएगा। ये प्रेयर ऑफ माई डॉटर जो है ये 1919 में लिखी गई, पब्लिश हुई 1921 में, और ये जो है माइकल रोबर्टिस एंड द डांसर कलेक्शन में से ली गई है। ये उन्होंने अपनी बेटी के लिए लिखी है, जो जॉर्ज हाइडी से उनकी बेटी हुई थी। उसके बाद सेकंड कमिंग, ये जो पोयम है ये इन्होंने पोस्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट को दिखाते हुए ये पोयम है। इट्स अ पोयम कंपोज इन 1919 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आफ्टरमैथ कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाती हुई है। पहले इसका नाम रखा गया था द सेकंड बर्थ, ये क्राइस्ट की सेकंड कमिंग, क्राइस्ट के सेकंड बर्थ को दिखाती है। ये क्राइस्ट जब पुनर्जन्म लेंगे तो वो इतने इनोसेंट नहीं होंगे शीप की तरह, बल्कि वो बहुत फिरोशियस होंगे। और ये पब्लिश हुई थी डायल नाम के जर्नल में नवंबर 1920 में, और उसके बाद कलेक्शन ऑफ वर्सेस माइकल रोबर्टिस एंड डांसर में, ये उनके कलेक्शन का नाम है, उसमें ये शामिल हो गई थी। इस पोयम ने क्रिश्चियन इमेजरी रिगार्डिंग द एपोकैलिप्स, एपोकैलिप्स का मतलब होता है हिडन नॉलेज, हिडन नॉलेज के बारे में बताती हुई है, और सेकंड कमिंग यानी कि क्राइस्ट के पुनर्जन्म के बारे में बताती हुई है। और ये पोस्ट वॉर यूरोप के एटमोसफेयर के, कि लोग कितने ज़्यादा एक दूसरे के प्रति संवेदनहीन हो गए हैं। ये लाइन्स हैं इसकी बहुत फेमस, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वेडिंग गायर द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर। यहाँ पे इन्होंने इमेज ली है कि टर्निंग इन द टर्निंग, कि वो धुरी पे घूम रहा है, और जो बाज होता है फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर, बाज जो होता है वो अपने शिकारी की आवाज़ सुनता है, लेकिन अब जो है उसे आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड द थिंग्स फॉल अपार्ट, अब चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, कि अब सेंटर जो है वो चीज़ों को होल्ड नहीं कर सकता। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, जो अच्छा था वो खत्म हो चुका है, जो वर्स्ट है वो भरा हुआ है और बुरा करने के लिए। एंड वॉट रफ बीस्ट, और ये कौन कदम बढ़ा रहा है, एक रफ सा बीस्ट है। इट्स आर कम राउंड एट लास्ट लाउचेस टूवर्ड्स बेथलम टू बी बॉर्न, एक बीस्ट जो है वो धीरे धीरे बेथलम की तरफ बढ़ रहा है जन्म लेने के लिए। यानी कि क्राइस्ट का पुनर्जन्म जो दिखाया है, क्राइस्ट विल नॉट बी एज सोबर एज ही यूज टू बी, नाउ ही विल टेक द फॉर्म ऑफ अ बीस्ट। तो ये पूरा का पूरा जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ये दिखाया गया है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर इम्पैक्ट जो है दिखाया। ये जो लाइन्स हैं थिंग्स फॉल अपार्ट, ये जो टाइटल है चिनुआ एशबे की जो नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये नॉवल का टाइटल यहीं से सेकेंड कमिंग से लिया गया है। सेलिंग टू बाइजेंटियम, ये एक पोयम है, पब्लिश हुई थी 1928 में, कलेक्शन था द टावर। इसमें फोर स्टेंजास ओटावा रिमा, यानी कि आठ आठ लाइन के स्टेंजास हैं, ईच मेड अप ऑफ एट टेन सिलेबल लाइन्स हैं। और यहाँ पर आठ लाइन का स्टेंजा है, टेन सिलेबल लाइन्स हैं। इट यूजेज अ जर्नी टू कॉन्स्टेंटिनोपल, ये वही कॉन्स्टेंटिनोपल है 1453 में, जिसका जो है जिस पे टर्क्स ने यज़ब कर लिया था, और जिसकी वजह से इटली में रेनेसांस की पूरी फुल फ्लेज जो रेनेसांस आने का जो रीज़न है। और ये मेटाफर है स्पिरिचुअल जर्नी, उनका ये मानना था कि रोम में हर चीज़ जो है वो एक तरीके से वो बिल्कुल एवर फ्रेश और जो है वो नई रहती है। तो ईट्स जो है बाइजेंटियम उनको उन्होंने सिंबल माना है, द सिटी ऑफ द सोल इन हिज लिविंग ह्यूमन फॉर्म, कि वो जो सिटी है वहाँ पे हर चीज़ जीवित फॉर्म में रहती है। दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, वो कहते हैं यहाँ इस दुनिया में ओल्ड मैन के लिए कोई भी कंट्री नहीं है। द यंग इन वन अनदर्स आर्म, और जो लोग हैं जो यंग कपल्स हैं दे आर जो स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर। बर्ड्स इन द ट्रीज, बर्ड्स जो हैं वो ट्रीज में हैं। दोज डाइंग जनरेशन, वो जनरेशन जो खत्म हो रही है, एट देयर सॉन्ग, वो अपने एट देयर सॉन्ग। एन एजेड मैन इज़ बट अ पॉल्ट्री थिंग, एक जो एजेड व्यक्ति है वो और कुछ नहीं, एक पॉल्ट्री थिंग है। ऐसा लगता है जैसे कि एक स्टिक पर एक कोट जो है वो लटका दिया गया है। तो ही वॉन्ट्स टू गो टू बाइजेंटियम, जिससे कि वो वहाँ जाकर अमर हो जाए। तो ये इसमें इन्होंने बताया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज लेडा एंड द स्वान, ये इनका बहुत ही फेमस जो है ये एक सोनेट है जो 1924 में डायल में आया था। द पोएम इज अ ट्रेडिशन 14 लाइन, ये पेट्रियाकन सोनेट है, यानी कि ऑक्टेव और सेस्टेट में बटा हुआ।
और ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है विद क्लियर सेपरेशन ऑक्टेव एंड सेस्टेट के बीच में, राइम स्कीम ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी, ये है। हालांकि पेट्रियाकन की ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई होती है, मगर इसकी सोनेट की ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी है। द स्पीकर रीटेल्स स्टोरी फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी, ये जो कहानी है ये बताती है लेडा एंड स्वान की कहानी। स्वान के रूप में ज्यूस एक खूबसूरत लड़की लेडा को रेप करता है और आउट ऑफ दैट रेप शी प्रोक्रिएट अ गर्ल दैट वॉज हेलन, हेलन जिसके ऊपर ट्रॉय का युद्ध हुआ था। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं डब्ल्यू बी ईट्स के, जिसको मैं आप लोगों को बता रही हूँ, शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन होता है मेरा छोटा सा। तो हु रॉट एन एलिजी इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स, डब्ल्यू बी ईट्स के ऊपर जो लिखी है एलिजी लिखी है डब्ल्यू एच ऑर्डर ने लिखी है, लेफ्ट विंग पोएट भी जिन्हें कहा जाता है, डब्ल्यू बी ईट्स के इन द मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट, पड़ी ही ऑब्सक्योर सी पोएम है ये, लिखी है डब्ल्यू एच ऑर्डर ने। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईट्स फाउंडेड द एबे थिएटर विद, ईट्स जो एबे थिएटर जो है वो करा है जे एम सिंच के साथ। एबे थिएटर यानी कि द रिवाइवल ऑफ द केल्टिक रिवाइवल जो वो ही ब्रॉट आउट इन आयरलैंड, तो जे एम सिंच के साथ। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हेन डिड डब्ल्यू बी ईट्स रिसीव नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर, ही रिसीव्ड नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1923 में उन्हें नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला था। फॉर विच ईयर वॉज ईट्स ऑफर्ड नाइटहुड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट ही रिफ्यूज, उन्हें नाइटहुड की उपाधि जो है वो दी जा रही थी 1915 में, 1915 में। डब्ल्यू बी ईट्स हैज रिटन अ पोएम लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, वेयर इज इनिसफ्री सिचुएटेड, डब्ल्यू बी ईट्स ने एक पोएम लिखी है लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, ये इनिसफ्री आखिर है क्या, ये है इनिसफ्री एन अनइनहैबिटेड आइलैंड इन लोगिल, ये एन इनहैबिटेड आइलैंड इन लोगिल। वॉट इज ईट्स लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर, ईट्स लैंड ऑफ हार्ट डिजायर ये है अ ड्रामा इन वन एक्ट, ये है ड्रामा इन वन एक्ट है ईट्स का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंटेस कैथलीन इज ड्रामा बाय ईट्स इन विच व्हाट लिंग्विस्टिक फॉर्म इट इज रिटन, ये लिंग्विस्टिक फॉर्म में किस लिंग्विस्टिक फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है ब्लैंक वर्स में ये लिखा हुआ है। What is Eats reveries over childhood and youth? आपको पढ़कर ही पता चल रहा होगा कि reveries है यानी कि दिवा स्वप्न है, तो इसका आंसर है an autobiographical treatise. The author of a reed shaken by the wind is, the author of a reed shaken by the wind says W.B. Eats ने लिखी है ये poem. The symbol used by W.B. Yeats are difficult to understand. W.B. Yeats ने जो है उनकी poems symbolic poems होती थी, तो उनके symbols काफ़ी difficult होते थे। क्यों होते थे, क्योंकि वो Irish mythology, वो उन्होंने Celtic languages को revive किया, Celtic यानी कि local, तो वो जो उनके symbols होते थे ना, most of the people didn't know about those symbols. What is Yeats the tar? ईट्स की जो पोएम है जो टावर है वो ईट्स का जो टावर है वो है क्या, दैट्स अ कलेक्शन ऑफ पोएम, अ सीरीज ऑफ इंटरलॉक्ड पोएम्स, एक दूसरे से संबंधित पोएम्स हैं। अ विजन इज अ फिलोसॉफिकल वर्क ऑफ ईट्स, ही रॉट इट विद द हेल्प ऑफ, विजन जो पोएम है उन्होंने अपनी पत्नी जॉर्जी की मदद से लिखी है, जॉर्ज हाइट। Name the Indian poet, mystic and philosopher who influenced W.B. Yeats. Indian poet है, mystic and philosopher है, किसने W.B. Yeats को influence करा है, that is Purohit Swami. For peace comes dropping slow, dropping from the wails of the morning to where the cricket sings, these lines have been taken from. For peace comes, कि पीस जो है धीरे धीरे आती है, dropping from the wails of the morning to where the wails of morning से, देखिए personification है, where the cricket sings, जहाँ पर जो cricket हैं यानी कि जो झिंगुर हैं वो अब उनकी आवाज़ आ रही है, तो ये lines हैं उनकी poem the lake isle of Innisfree से।
दिस थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी. थिंग्स फॉल अपार्ट, ये मैंने अभी आपको बताया था, ये फ्रेज चिनुआ अच्छेबे ने अपने नॉवल के लिए लिया है थिंग्स फॉल अपार्ट के लिए. तो ये लाइन्स जो हैं वो सेकेंड कमिंग की हैं. तो ये है इसका आंसर, द सेकेंड कमिंग. All perform their tragic play, their struts Hamlet, there is Lear, that's Ophelia, that's Cordelia. ये इन्होंने यहाँ पर all perform their tragic, तो ये जो है all perform their tragic play, their struts Hamlet, there is Lear, ये जो lines ली गई हैं, ये इनकी बहुत famous poem है Lapis Lazuli, वहाँ से ली गई है ये lines Lapis Lazuli से. Now the next one is, the ceremony of innocence is drowned, the best lack all conviction, while the worst are full of passion innate intensity. ये lines जो ली गई हैं कि जब second coming से ली गई हैं, जिसमें उन्होंने symbol जो है वो beast का use करा है कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद के लोग बिल्कुल संवेदनहीन हो गए हैं, एंड द सेकेंड कमिंग जो कि रिप्रेजेंट करता है क्राइस्ट को का पुनर्जन्म, वो बहुत ही अलग तरीके का होगा. तो दैट इज़ द जो ये लाइंस ली गई हैं, ये सेकंड कमिंग से ली गई हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मे शी बी ग्रांटेड ब्यूटी एंड येट नॉट ब्यूटी टू मेक अ स्ट्रेंजर्स आई डिस्ट्रॉट, कि उसको खूबसूरती मगर मिले मगर ऐसी नहीं कि उस किसी की आंखों को भटका दे. हार्ट्स आर नॉट हैड एज अ गिफ्ट बट हार्ट्स आर अर्न, कि दिल ऐसे गिफ्ट की तरह नहीं बल्कि दिल जीतने वाली खूबसूरती दे. ये इट्स ने लिखी है अपनी अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, अपनी बेटी के लिए उन्होंने ये लाइन्स लिखी हैं. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, ये लाइन्स ली गई हैं सेलिंग टू बाइजेंटियम से. सेलिंग टू बाइजेंटियम जो मैंने आपको बताया था कॉन्स्टेंटिनोपल, और वहाँ से ये लाइन्स हैं सेलिंग टू बाइजेंटियम. Who wrote an introduction to the second edition of Tagore's Song Offering? गीतांजलि का एडिशन, रविंद्रनाथ टैगोर को यूरोपियन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने में उनका इंट्रोडक्शन जो लिखा था गीतांजलि का, वो लिखा था डब्ल्यू बी ईट्स ने. तो डब्ल्यू बी ईट्स ने लिखा था गीतांजलि का इंट्रोडक्शन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि ये छोटा सा आपका सेशन जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल हो. हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन. थैंक यू. मिलते हैं कल.